क्लास फिफ्थ, आज हम करेंगे मैथमेटिक्स का चैप्टर 13 वेज टू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड के पेज नंबर 183 से। तो यहाँ हमको सबसे पहले दिया है प्रैक्टिस टाइम में, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा 576 बुक्स आर टू बी पैक्ड इन बॉक्सेस, मतलब 576 हमारे पास बुक्स है, उसको क्या करना, हमको पैक करना है बॉक्स में। इफ़ वन बॉक्स हैज़ 24 बुक्स, और एक बॉक्स में कुल 24 बुक्स आ सकती है, तो हाउ मैनी बॉक्सेस आर नीडेड, तो हमें ऐसे कितने बॉक्सेस की आवश्यकता होगी ताकि 576 बुक्स हर बॉक्स में आ जाए। क्योंकि एक बॉक्स में कितने आ रही कुल बुक्स, 24 बुक्स आ रही है, तो कितनी बॉक्स की हमें आवश्यकता होगी, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो इसको हम 576 को डिवाइड कर लेंगे हम 24 से, तो 24 57 में इसमें क्या करना है, डिवाइड करेंगे हम, कितने बार जाएगा, 2 बार जाएगा, कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसको माइनस कर लेंगे, 7 में से 8 माइनस नहीं होगा, इसको इसमें क्या करेंगे, उधार देंगे इसको, तो कितना हो जाएगा, 17 में से ऐड जाएगा, तो हमारे पास कितना जाएगा, 9 आ जाएगा, यहाँ पे बचेगा 4 में से 4 गया था, यहाँ बचेगा कुछ नहीं, तो उतारेंगे हम 6 का 6। फिर इसमें इसको डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, यहाँ 4 बार जाएगा, कितना जाएगा, 96 ही आएगा, तो इसको इसमें माइनस कर देंगे, फिर 6 में से 6 है कुछ नहीं, 9 में से 9 है कुछ नहीं, तो इसका आंसर जो आएगा कितना आएगा, कितने बॉक्स की ज़रूरत होगी हमें, 24 बॉक्स की आवश्यकता होगी, तो हमारा आंसर हो जाएगा 24 बॉक्सेस। इसके बाद दिया हमको सेकेंड वाला, 836 पीपल आर वॉचिंग ए मूवी इन अ होल, मतलब कि 836 जो लोग हैं वो मूवी देख रहे हैं एक हॉल में। इफ़ द हॉल हैज़ 44 रोज, हॉल में कितनी रोज है, 24 रोज है, हाउ मैनी पीपल कैन सिट इन वन रो, मतलब कि एक रो में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं ये हमको बतलाना है। तो पीपल कितने हैं, कुल लोग कितने हैं, 836 है, और रो कितनी हो रही है, 44 हो रही है, तो इसको हम कर निकालेंगे, यहाँ पे इस प्रकार से निकालेंगे, 836, इसको डिवाइड करेंगे हम 44 से, कितने बार जाएगा ये, 1 बार जाएगा, कितना जाएगा, 44 को माइनस कर लेंगे हम, कितना जाएगा, 13 में से 4 जाएंगे, कितना जाएगा, 9, फिर यहाँ जाएगा 7 में से 4 जाएंगे, बचेंगे 3, 6 का 6 यहाँ उतार लेंगे हम। अब इसमें फिर से कि इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा इसमें भाग, 44 का इसमें भाग देंगे, कितने बार जाएगा इसमें, 9 बार जाएगा, हो जाएगा 396। इसको इसमें माइनस कर लेंगे, 6 में से 6 जाएगा कुछ नहीं, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 3 में से 3 गया हाँ कुछ नहीं, तो इसका आंसर जो आएगा 19 आएगा, मतलब एक फर्स्ट रो में कितने व्यक्ति बैठ सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 19। फिर दिया हमको क्वेश्चन नंबर 3, ए गार्डनर अबाउट 458 एप्पल ट्रीज, एक गार्डनर है उसने 458 एप्पल ट्री खरीदा, ही वॉन्ट टू प्लांट 15 ट्री इन ईच रो, तो एक रो में कितने प्लांट लगाना चाहता है वो, 15 प्लांट लगाना चाहता है, हाउ मैनी रो कैन ही प्लांट, तो कितनी रो की हमें आवश्यकता होगी ये हमको इसमें बतलाना है, और हाउ मैनी ट्री वुड बी लेफ्ट ओवर, और कितने ट्री उसके पास बच जाएंगे शेष, तो यहाँ हम देखते हैं, तो इसको सॉल्व हम कैसे करेंगे, 458 को डिवाइड करेंगे हम 15 से, तो कितना जाएगा इसमें, हम डिवाइड करेंगे तो 15 1 जा 15 15 2 जा 30 15 3 जा कितना हो जाएगा हमारा 45। इसके बाद कितने डिजिट है, 1 डिजिट है, तो हम 10 यहाँ लगा लेंगे, 10 ऊपर इसको करेंगे प्लस, इसको मार देंगे हम माइनस, 8 का 8, 5 में से 5 गए कितना बचा कुछ नहीं, 4 में से 4 गए तो कुछ नहीं, कितना बच रहा शेष हमारे पास,
एड बच रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन आर रो हो जाएगा 15, 30 एस क्वाटेंट एंड 8 एस रिमाइंडर। तो 8 कितना बच जा रहा था हमारे पास, सेस जो बच जा रहा है, 8 बच जा रहे हैं, यही क्या होगा इसका आंसर होगा। अब इसके बाद देखेंगे हमने, यहाँ हमसे पूछा था हाउ मैनी ट्रीज वुड बी लेफ्ट ओवर, तो कितने बच जा रहे हैं हमारे पास रिमाइंडर में, 8 बच जा रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 8 ट्रीज। फिर दिया हमको ब्रांड टीजर में दिया है श्याम ली बाउट आई बैटरी सी रेड ऑन इट इट लाइफ 2000 आवर यूजेस इट थ्रू आउट द डे एंड द नाइट हाउ मैनी डेज विल द बैटरी रन। तो एक श्यामली ने क्या खरीदी, एक बैटरी खरीदी है, उसकी जो लाइफ है वो 2000 घंटे की है और वह रात दिन उस बैटरी का उपयोग कर, तो हमको बतलाना है कि वो बैटरी कितने दिन यूज होगी चलेगी। तो सॉल्व कर सकते हैं कि कुल बैटरी की लाइफ है 2000, इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम, वन डे में कितने आवर होते हैं 24 आवर होते हैं, तो हम देख लेंगे कितने चल सकती है, फिर इसको मल्टी को कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कितना चपार जाएगा ये 8 बार जाएगा, कितना जाएगा 192, कितने बचेंगे हम माइनस करेंगे 8 का 8, 10 में से 2 गए तो बचे 8, 9 में से 9 गया कुछ नहीं, 1 में से 1 गया कुछ नहीं, फिर उतार लेंगे हम 0, डिवाइड करेंगे 24 को, कितने बार जाएगा इसमें 3 बार जाएगा, कितना हो जाएगा 72, इसमें माइनस करेंगे हम कितना बचेगा, हाँ 8 बचेगा, इसका आंसर हो जाएगा 83 एस क्वाटेंट एंड 8 एस रिमाइंडर। तो 8 कितना बच जा रहा है, 6 बच जा रहा है। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट पेज में, यहाँ दिया है मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम ईच लाइन गिवन अ स्टोरी यू हैव टू चूज द क्वेश्चन बीच मेक द बेस्ट स्टोरी प्रॉब्लम द फर्स्ट वन इज ऑलरेडी मार्क। फर्स्ट वाले मैंने ऑलरेडी क्या कर दिया है, मार्क कर दिया, इसमें से हमको चूज करना है कौन सा सही है। जैसे कि फर्स्ट वाला क्वेश्चन दिया है कि अ शॉपकीपर हैज 50 बॉक्सेस देयर आर 48 फ्रूट्स इन वन बॉक्सेस, तो बोल रहा है कि 50 बॉक्स है और एक बॉक्स में 48 क्या है फ्रूट्स है, तो इसमें बोल रहा है हमको कि टिक द वन क्वेश्चन विथ विच मैच विथ द गिवन प्रॉब्लम हाउ मच विल द शॉपकीपर पे इन ऑल। फिर दिया है हाउ मैनी फ्रूट आर देयर इन ऑल, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा ये वाला बी वाला, इसमें जो पहले से टिक करके दिया हुआ है, इसमें को हमको देखना था कि कितने फ्रूट्स होंगे इसमें, इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 50 मल्टीप्लाई करेंगे 48, तो हमें कुल फ्रूट्स की संख्या पता चल जाएगी कुल कितने फ्रूट्स है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। फिर दिया सेकेंड वाला 352 चिल्ड्रन फ्रॉम माय स्कूल वेंट टू अ कैंपिंग ट्रिप ईच टेंट हैड अ ग्रुप ऑफ 4 चिल्ड्रन, मतलब कि 352 बच्चे जो है वो स्कूल के ग्रुप में कैंपिंग के लिए ट्रिप में जाना चाहते हैं और एक टेंट में कितने बच्चे आ रहे हैं, 4 बच्चे आ रहे हैं, तो हमको यहाँ बतलाना था कि ऐसे कितने टेंट की आवश्यकता होगी, तो बोलेंगे हम हाउ मैनी टेंट टू दे नीड, ये वाला आंसर हमारा हो जाएगा। फिर दिया है थर्ड नंबर का आ शॉपकीपर हैज 204 एग्स ही पुट देम इन एग्स साइज ईच ट्रे हैज 12 एग्स, एक शॉपकीपर के पास 204 के हैं अंडे हैं ईच ट्रे, मतलब एक ट्रे में कितने आ रहे हैं उसके पास 12 अंडे आ रहे हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला हाउ मैनी एग्स ट्रे डस ही नीड, मतलब सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। फिर दिया हमको फोर वाला द कॉस्ट ऑफ वन बुक्स इज 47 सोनू बाय 33 बुक्स, तो एक बुक्स की कीमत हमको दी हुई है 47, तो सोनू कितनी बुक्स खरीदना चाहता है, 23 बुक्स खरीदना चाहता है, इसका आंसर हो जाएगा हमारा हाउ मच मनी डज सी पे फॉर द बुक्स, ये वाला आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट पेज में, यहाँ दिया हमको प्रैक्टिस टाइम में डू दिस डिवीजन चेक योर रिजल्ट बाय मल्टीप्लिकेशन,
मतलब यहाँ हमको डिवीज़न करना है और उसको जो आंसर आएगा उसको हमको मल्टीप्लाई करके उसको चेक करना है। तो यहाँ हम देखेंगे जैसे कि ये फर्स्ट वाला हमको दिया है यहाँ पर ए नंबर का 438 को डिवाइड करना था हमको 9 से, तो हम डिवाइड करेंगे 9 से, कितने बार चल जाएगा ये 4 बार जाएगा, 9 4 जा कितना हो जाएगा हमारा 36। इसको हम माइनस करेंगे, इससे एक उधार लिए इसको जो हो जाएगा 13 13 में से 6 जाएंगे तो कितना बचेगा 7 बचेगा, और 4 3 में से 3 जाएंगे तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं, तो उतारेंगे 8 का 8 यहाँ उतार लेंगे। अब इसको डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा यहाँ पे, कितने बार जा सकता है इसमें भाग, ज़्यादा से ज़्यादा 8 बार जाएगा, कितना जाएगा 72। इसको माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ 8 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा हमारे पास 6, 7 में से 7 जाएगा तो यहाँ बचेगा कुछ नहीं, तो रिमाइंडर कितना आ गया हमारे पास 6 आ गया। अब इसको हमको चेक करना है तो कैसे करेंगे चेक, हमारे पास जो कोटेंट आ रहा है वो कितना जा रहा है, हमारे पास जो कोटेंट आ रहा है वो कितना आ रहा है 48, और जो रिमाइंडर जो बच रहा है कितना आ रहा है 6, जो शेष बच रहा है वो कितना आ रहा है 6। इसको हमको क्या करना है चेक करना है, कैसे चेक करेंगे इसको अब हम देखते हैं। तो क्या होता है जो हमारा कोटेंट आया है इसको मल्टीप्लाई करेंगे काई में डिवीज़र से, डिवीज़र से मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे हमारा जो रिमाइंडर आया है इसको प्लस कर देंगे रिमाइंडर, प्लस कर देंगे रिमाइंडर में तो हमारा क्या जाएगा निकल करके इक्वल टू डिविडेंड आ जाएगा निकल के, यह है कि इसमें जो है ये 9 जो हमारा वो क्या कहलाता है डिवीज़र कहलाता है, और हमारा जो कोटेंट जो निकल के आया जो निकल के आता है कितना है ये 48 जो हमारा क्या कहलाएगा कोटेंट कहलाएगा, और रिमाइंडर हमारा जो शेष बचता है नीचे वो हमारा रिमाइंडर कहलाता है, और ये 438 कहलाता हमारा डिविडेंड कहलाता है। तो इसमें हम कोटेंट में डिवीज़र का क्या कर देंगे मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस करेंगे रिमाइंडर का, तो क्या निकल के आना चाहिए 438 क्या आ जाएगा डिविडेंड आ जाएगा हमारा। तो मतलब कैसे किए उनने कैसे करेंगे हम इसको मल्टीप्लाई, तो 48 मल्टीप्लाई करेंगे हम 9 से, 9 एड जा कितना हो जाएगा 72 का 2 7 9 4 जा 36 और 7 हो जाएगा हमारा 43 432, और जो हमारे रिमाइंडर आया उसको प्लस कर देंगे इसमें 6 कितना जाएगा 2 और 6 हो जाएगा हमारा 8 3 का 3 4 का 4, ये वाली संख्या हमको क्या फिर से की प्राप्त हो जाएगी, मतलब जो हमने जो किया है वो क्या है सही है। इसी प्रकार से आपको यहाँ पे करना, इसी प्रकार से आपको यहाँ पूरे क्वेश्चन इसके यहाँ सोल्व करना है। तो हमारा यहाँ चैप्टर समाप्त होता है, और ये चैप्टर 18 करना नहीं है, ये चैप्टर हमको करना नहीं है। इस प्रकार से हमारा मैथ्स 5th क्लास के यहाँ समाप्त होती है।